पूर्व सैनिक अब प्रदेश में केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। वन रैंक वन पेंशन को पूरी तरह से लागू न करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर पूर्व सैनिकों ने दादरी में फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के आह्वान पर रोष मीटिंग की और बाद में सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौर ने सरकार को चेतावनी देते हुए आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया, साथ ही आगामी दिनों में बड़ी रैली कर आंदोलन शुरू करने का निर्णय लेने की बात भी कही। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौर ने दादरी में पूर्व सैनिकों की मीटिंग ली और आगामी आंदोलन को लेकर मंथन किया। अर्जुन राठौर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पूर्व सैनिक इस बार आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। उन्हें मजबूर होकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश भर के पूर्व सैनिक एक मंच पर आकर अपने हकों के लिए आंदोलन चलाएंगे। पूर्व सैनिकों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। पूर्व सैनिकों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर सरकार भेदभाव कर रही है। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने के बाद भी मांगों पर कोई विचार नहीं हुआ। सरकार को तुरंत वार्ता कर समाधान करना चाहिए, नहीं तो वे अपनी मांगों को लेकर जंग के मैदान में उतरेंगे। सभी को पता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर के उद्वेलित हैं। बहुत लंबे समय से पूर्व सैनिक के साथ में अन्याय होता रहा है और पूर्व सैनिक अनुशासित होने के नाते चुपचाप उस अन्याय को सहन करता रहा, लेकिन अब चूंकि इंतहा हो चुकी है, पानी सर से ऊपर से गुजरने को तैयार हो चुका है, तो सैनिकों को मजबूर होकर के सड़कों पर उतरना पड़ा है। हमारी विभिन्न मांगे हैं जिनके अंदर मुख्य रूप से है OROP की विषमताओं को दूर किया जाए, MSP इक्वल दी जाए, डिसेबिलिटी के अंदर तुरंत सुधार किया जाए, जो हमारे रिजर्विस्ट भाई थे उनको भी OROP का फ़ायदा दिया जाए, इसके अलावा जो ग्रुप एक्स में विसंगति हुई है उसको दूर किया जाए, विधवाओं के पेंशन में सुधार किया जाए, और इसके अलावा जो दिन प्रतिदिन की हमारी सुविधाएं उनके अंदर भेदभाव होता है, ऑफिसर्स के लिए अलग मापदंड है तो नॉन ऑफिसर्स के लिए अलग मापदंड है, तो इन सब समस्याओं की वजह से हमारे साथियों को आंदोलित होना पड़ा है और आज हम लोग हमारी मांगों के लिए अग्रसर होकर के सरकार से गुहार लगा रहे हैं। 20 फरवरी से हमारा दिल्ली जंतर मंतर पे लगातार अनिश्चितकालीन सांकेतिक धरना चल रहा है।